नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में आपके साथ मैं फरहा सिद्दीकी। कृषि कानून के विरोध में बीते 7 महीनों से दिल्ली एनसीआर की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसानों की झड़प बीजेपी समर्थकों से हो गई। इस झड़प के बाद राकेश टिकैत आग बबूला हो गए और बीजेपी नेताओं को धमकी दे डाली। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों और बीजेपी नेताओं के बीच हंगामा हो गया है। बताया जा रहा है कि बीजेपी के कार्यकर्ता गाजीपुर बॉर्डर पर बीजेपी से जुड़े एक नेता का स्वागत करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन यहां एकाएक बवाल शुरू हो गया। बीजेपी समर्थकों का आरोप है कि किसानों ने हंगामा और पथराव शुरू कर दिया। हालात इतने खराब होते गए कि बीजेपी नेता की गाड़ी को वहां से निकालने में पुलिस को मशक्कत करनी पड़ी। किसान और बीजेपी समर्थक आपस में भिड़ गए। इस पूरे हंगामे में किसान नेता राकेश टिकैत ने बीजेपी पर कई संगीन आरोप लगाए। उनका कहना है कि बीजेपी नेता हमारे मंच पर आए थे और अपने नेता का स्वागत करने लगे थे, ये गलत है। इस दौरान राकेश टिकैत ने धमकी देते हुए कहा, मंच सड़क पर है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मंच पर आ जाओगे। अगर मंच पर आना है तो बीजेपी छोड़कर आओ, लेकिन ये दिखाना कि हमने गाजीपुर के मंच पर भाजपा का झंडा फहराकर कब्जा कर लिया, ये गलत है। ऐसे लोगों के बक्कल उधेड़ दिए जाएंगे, प्रदेश में फिर कहीं भी नहीं जा सकते हैं, याद रख लेना। बीजेपी नेताओं को धमकी देते हुए टिकैत सारी मर्यादाओं को लांघ गए। राकेश टिकैत ने ये भी कहा कि अगर मंच पर झंडा लगाकर कब्जा करेंगे तो इनका इलाज करेंगे। हाँ, मैं धमकी दे रहा हूँ, मंच पर कब्जा करके किसी का स्वागत करेंगे। पुलिस की मौजूदगी में बीजेपी के लोग मंच पर कब्जा करना चाहते थे। अगर मंच इतना प्यारा है तो इस आंदोलन में शामिल हो जाओ, ऐसी बीमारी क्यों है। वहीं भारतीय किसान यूनियन का कहना है, भाजपा के कार्यकर्ताओं ने आज गाजीपुर बॉर्डर पर फ्लाईवे के बीच मंच के पास भारी संख्या में इकट्ठे होकर किसी नेता के स्वागत के बहाने ढोल बजाकर आंदोलन विरोधी नारे लगाए। हंगामे की सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गई। खबर ये भी है कि इस घटना में बीजेपी कार्यकर्ताओं की गाड़ी तोड़ी गई है। इस घटना के बाद गाजियाबाद SSP कार्यालय पर भाजपाइयों ने जाम लगा दिया। कहा जा रहा है कि किसानों द्वारा भाजपाइयों की गाड़ी में तोड़फोड़ करने के विरोध में ये जाम लगाया गया है। दरअसल सारा मामला ये था कि बीजेपी के नव नियुक्त प्रदेश मंत्री अमित बाल्मीकि का स्वागत करने के लिए कार्यकर्ता दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर खड़े थे। आरोप है कि दिल्ली से गाजियाबाद वाली लेन पर वाहनों का काफिला जब किसानों के मंच के सामने पहुंचा तो किसानों और भाजपाइयों में नोकझोंक हो गई। किसानों का आरोप है कि भाजपाइयों ने उन्हें अपशब्द कहे, जबकि भाजपाइयों का आरोप है कि किसानों ने अभद्रता की। भाजपाइयों का आरोप ये भी है कि किसानों ने उनके खिलाफ नारेबाजी की और कुछ गाड़ियों में तोड़फोड़ की। किसानों को बरगलाकर अपनी राजनीति चमकाने के लिए दिल्ली एनसीआर की सड़कों को घेर कर बैठे राकेश टिकैत इसी तरह से गुंडागर्दी के लिए जाने जाते हैं। इससे पहले भी राकेश टिकैत के समर्थकों की तरफ से इस तरह की गुंडाई की जा चुकी है। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही, नमस्कार। 2 साल पहले शुरू हुई एक मुहिम, मीडिया में एक नया आंदोलन, शपथ झूठ को बेनकाब करने, संकल्प सच को आप तक पहुंचाने का, और इस क्रांति को मिला आपका साथ। हर दिन हमसे जुड़े लोग, 10,70,00,000 से ज्यादा दर्शक हमें देख चुके हैं। अब है आपकी बारी। उत्तर प्रदेश में नए आंदोलन की तैयारी। आपका कैपिटल टीवी अब और स्पेशल और फ्रेश। कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।